हेलो एवरीवन, आज हम अपने हिस्टोरिकल फिगर में एक ऐसे फिगर के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कभी खुद स्कूल नहीं गए, जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके बारे में पढ़ाई करने बिना आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शामिल नहीं हो सकते। उनके बारे में क्वेश्चन ज़रूर किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, और वो है अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर, जो कि थर्ड नंबर के मुगल एम्परर थे अकबर। इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करने वाले हैं, केवल हम इनकी बायोग्राफी के बारे में, इन्होंने किस तरीके से अपने एम्पायर को एक्सपांड किया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर के बारे में। तो सुनिएगा, कहानी कुछ इस तरीके से है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है, और पानीपत का जो फर्स्ट बैटल होता है उसमें इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं बाबर साहब, और बाबर साहब जब उन्हें हरा देते हैं तो भारत में शुरुआत हो जाती है मुगल सल्तनत की। ये कहानी तो आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। और एक कोई एक सोप थी, जैसे शायद संतूर था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, उसकी एक ऐड आती थी ना, बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का अकबर। तो बस इस तरीके से आप भी राइम बना लीजिए कोई, और सारे मुगल सल्तनत के जो बादशाह हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो बाबर जो है मुगल एम्परर की शुरुआत करते हैं, लेकिन वो बहुत कम समय तक मुगल सल्तनत की गद्दी पर, मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, और ये हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। कभी खनवा का युद्ध कर रहे हैं तो कभी चंदेरी का युद्ध कर रहे हैं, और उसके बाद वो उनकी डेथ हो जाती है। और ये सारी जानकारी हमको बाबरनामा से मिलती है, जिसको हम तुझे के बाबरी के नाम से जानते हैं, जिसको बाबर ने खुद ही लिखा था। बाबर के बाद उनके जो बेटे होते हैं हुमायूं, वो गद्दी पर बैठते हैं। ये कहानी क्यों सुना रही हूँ, अभी आप धीरे धीरे सारा लिंक कर पाएंगे। तो हुमायूं गद्दी पर बैठते हैं। अब हुमायूं जो होता है ना, उसके चार, मतलब ये लोग टोटल चार भाई होते हैं। आप लोगों ने कामरान, हिंदल, इन सब के नाम सुने होंगे, ये सब हुमायूं के भाई हैं। तो हुमायूं बहुत ही दयालु हैं, और ज़्यादा दयालु होना भी सही नहीं होता है। तो हुमायूं ने क्या किया, अपना जो पूरा एम्पायर था उसके चार टुकड़े करके अपने चारों भाइयों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और सब लोग अपने अपने तरीके से अब शासन करेंगे। तो मतलब कोई भी एक सेंट्रलाइज पावर नहीं है। हुमायूं जब गद्दी पर बैठ रहे हैं तो उसके बाद देख रहे हैं कि कोई भी सेंट्रलाइज पावर नहीं है, और जब कोई भी सेंट्रलाइज पावर नहीं है तो जो अफगानी लोग हैं वो ऑलरेडी पहले से ही मुगल, मतलब मुगल सल्तनत के पहले भी भारत में रूल करते थे। इब्राहिम लोधी के बाद इनकी सल्तनत में कमी आई थी, और ये अफ़गानी व्यक्ति जो हैं वो है शेर खां, जिसको हम शेर शाह सूरी कहते हैं। वो क्या करता है, हुमायूं को चौसा की बैटल में हरा देता है। और हुमायूं को जब चौसा की बैटल में हराया जाता है, और उसके बाद थोड़े समय के लिए मुग़ल सल्तनत का खात्मा होता है, और सूरी डायनेस्टी की शुरुआत होती है, और शेर शाह सूरी इसकी शुरुआत करते हैं। और लगभग 1940 से 1945 तक जो है वो शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, और आगरा को अपने कैपिटल बनाते हैं। फिर जब वो कालिंजर, जो आज रीवा में आप देखते हैं, तो कालिंजर के किले पे जब वो फाइट करने जाते हैं तो तोप का गोला जो है वो फूट जाता है, और शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेर शाह सूरी के बाद इस्लाम शाह, आदिल शाह जो होते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। और उसके बाद हुमायूं को यहाँ पर फ़ायदा होता है कि थोड़ी सी कमी आती है अफ़गान की पावर में, और हुमायूं बापत से गद्दी को एक्वायर कर लेते हैं। तो बापत से मुग़ल सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। तो हुमायूं वापस से गद्दी पर बैठ जाते हैं, लेकिन गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद ही दीन पनाह नाम की जो लाइब्रेरी होती है उसकी सीढ़ियों से वो गिर जाते हैं, और गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गिरने के बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो एक लेन पूल नाम के व्यक्ति हैं, हिस्टोरियन हैं, वो लिखते हैं कि हुमायूं ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। तो इस तरीके से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हुमायूं की जब डेथ होती है उस समय अकबर केवल और केवल 13 साल के होते हैं। अकबर जो है वो केवल 13 साल के हैं यहाँ पर, और इतनी कम उम्र में अगर उस, मतलब किसी राजा की मृत्यु हो गई और उसका बेटा इतना छोटा है, और ये बात अचानक से सबके सामने रख दी जाए, तो हो सकता है कि इन्वेडर फिर से आ जाए और दिल्ली सल्तनत पे कब्ज़ा कर ले, मतलब दिल्ली की जो गद्दी उस पे कब्ज़ा कर ले। इसलिए काफ़ी लंबे समय तक हुमायूं की जो मृत्यु की जानकारी है वो हाइड की जाती है, छुपा के रखी जाती है। कई बुक्स में लिखते हैं कि 18 दिन तक, कुछ पुस्तकें लिखती हैं लगभग 21 दिन तक हुमायूं के मरने की जानकारी किसी को भी नहीं दी गई थी, हाइड करके ये बात रखी गई थी। और जब हुमायूं की जगह पे अकबर को गद्दी दे दी जाती है, उसका राजाभिषेक हो जाता है, उसके बाद ये बात लोगों के बीच में लाई जाती है। ठीक है, हुमायूं की एक बहन होती हैं गुलबदन बेगम, वो हुमायूं की बायोग्राफी लिखती हैं, जिसका नाम होता है हुमायूं नामा।
ठीक है, तो हुमायूं केवल 13 साल के होते हैं जब अकबर केवल 13 साल के होते हैं जब हुमायूं का निधन हो जाता है, और उसके बाद मुगल सल्तनत की गद्दी पे तीसरे नंबर के राजा जो हैं अकबर वो बैठते हैं। अब अकबर के बारे में जानने के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आईने अकबरी के बारे में। 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है आईने अकबरी, बेसिकली अकबरनामा, आप लोगों ने पुस्तक का नाम सुना होगा, अकबरनामा जो है उसको लिखने में 13 साल का समय लगा, और अकबरनामा जो है वो बायोग्राफी है अकबर की। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा हुआ है। अकबरनामा जो है उसको 3 पार्ट्स में लिखा है। पहला जो पार्ट है वो अकबर के जो एंसेस्टर थे उनको डील करता है। सेकेंड जो पार्ट है उसमें अकबर ने किन किन रीज़न को इन्वेट किया था उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो अकबरनामा का तीसरे नंबर का पार्ट है वो आईने अकबरी है। तीसरे नंबर का जो पार्ट है जो कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसकी आर्मी, उसकी ज्योग्राफी, रेवेन्यू, क्रॉप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, वो आईने अकबरी है। पर्शियन लैंग्वेज में अबुल फजल ने लिखा है। तो एक तो अकबरनामा हो गया जहाँ से हमें अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। इस अकबरनामा को बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में भी हेनरी बेवरेज ने ट्रांसलेट करने का काम किया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बुक्स हैं जिनसे हमें अकबर के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर हम सूरदास और तुलसीदास जी के बारे में बात करते हैं तो अकबर के समकालीन थे। हालांकि इनका संबंध अकबर के कोर्ट से नहीं था, अकबर के दरबार में नहीं गए थे, लेकिन अकबर के समकालीन थे। जब अकबर का समय चल रहा था तो सूरदास जी, तुलसीदास जी भी उस समय मौजूद थे। सूरदास जी की संरचना है सूरसागर और तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, इसी के समय लिखी गई है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तबाकत ए अकबरी निज़ामुद्दीन की रचना है, तकमीला आए ए अकबरनामा इनायतुल्ला की रचना है, और तारीख़ बिदुइनी जो कि बदायूनी की रचना है, ये सभी पुस्तकें अकबर के समय लिखी गई हैं। और ये सभी जो है वो सोर्स भी बताए जाते हैं जहाँ से हमें थोड़ी बहुत जानकारी अकबर के समय की मिलती है। आइए बातें करते, जैसा कि मैंने कहा कि हुमायूं यहाँ वहाँ घूमते रहे क्योंकि उनकी गद्दी पर तो शेरशाह सूरी बैठे हुए थे, तो ईरान जाते हैं, अफ़गानिस्तान जाते हैं, इन सभी जगहों पे ये घूमते रहते, पाकिस्तान जाते हैं हुमायूं। और हुमायूं की जो वाइफ होती है उनका नाम होता है हमीदा बानो बेगम। तो हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के बेटे जो होते हैं वो कौन होते हैं, अकबर होते हैं। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में राजा वीरसाल के यहाँ पर होता है। और आज के समय में ये अमरकोट जो है वो सिंध रीजन पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। तो अकबर का जन्म कब हुआ, 1542 में हुआ। इनके फादर का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अमरकोट में इनका जन्म राजा वीरसाल के घर होता है। ठीक है, अब इनका जन्म तो हो गया, और जन्म के बाद हुमायूं जो है अब वो कंधार और काबुल पे कब्जा करने चले गए। तो वो कंधार और काबुल में लड़ाई कर रहे थे। जब अकबर 3 साल के हो जाते हैं तब वो अपनी मुलाकात उनकी होती है उनके फादर से, मतलब हुमायूं से। और हुमायूं उस समय इनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखते हैं। तो इस तरीके से अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होता है। ठीक है, मात्र जब ये 9 साल के होते हैं तब हुमायूं इन्हें गजनी का सूबेदार अपॉइंट कर देते हैं कमांडिंग ऑपरेशन के लिए, या फिर गवर्नर आप बोल सकते हैं, गजनी का इन्हें बना दिया जाता है। और गजनी के बाद हुमायूं की डेथ से पहले ही 1555 में हुमायूं डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरे मरने के बाद जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो अकबर होगा। और उनका ऐसा डिक्लेयर करने के अगले साल ही, मतलब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं की जब मृत्यु होती है उस समय अकबर पंजाब के सूबेदार होते हैं, पंजाब के सूबेदार अकबर होते हैं। इस समय उनकी उम्र जो है वो 13 साल बताई जाती है। जब इनके मरने की खबर मिलती है तो हुमायूं के बहुत ही ज़्यादा जो वफादार सेनापति आप बोल सकते हैं, कमांडर बोल सकते हैं, वो होते हैं बैरम खान। और बैरम खान को खाने खाना का टाइटल जो है वो हुमायूं देते हैं। तो बैरम खां का संरक्षण में रखा जाता है अकबर को। और बैरम खां क्या करते हैं, ईंटों से बना हुआ जो ब्रिक्स होती है ना, ब्रिक्स से बना हुआ एक सिंहासन बनाते हैं। और जब इनका जो है राजाभिषेक किया जाता है तो अकबर का राजाभिषेक बैरम खां ने मात्र 13 साल की उम्र में कर दिया। इस तरीके से ये मुग़ल सल्तनत के बादशाह बन जाते हैं अकबर। जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा जो हुमायूं यहाँ वहाँ भटकते रहे अपने सिंहासन को पाने के लिए, तो उनका प्रॉपर इनका एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए बोला जाता है कि शिक्षित नहीं थे, कभी भी इन्होंने जो है वो स्कूल नहीं देखा, कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं करी। और हालांकि बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इनको पढ़ाई लिखाई में उतनी कोई इंटरेस्ट था भी नहीं, रुचि थी भी नहीं, ये बात भी यहाँ पर बताई जाती है। तो 13 साल की उम्र में अकबर
आज जब बच्चे इंस्टा चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, टिकटॉक, पबजी खेलते हैं, तब अकबर उस उम्र में 13 साल की उम्र में इतने बड़े सल्तनत के बादशाह बन गए। 13 साल की उम्र बहुत कम होती है, और अफगानों का तो जो है डर था ही। तो हुमायूं के मिलने की खबर जैसे ही मिलती है, तो जो दिल्ली आगरा का रीज़न है, वहाँ पर आदिल शाह, जो अफगान का व्यक्ति है, शेर शाह सूरी का ही वंशज है, वो क्या करता है, उस रीज़न पे कब्ज़ा कर लेता है। इस बात की खबर होती है बैरम खान को, तो बैरम खान जो है वो पानीपत का बैटल लड़ने के लिए जाते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। तो आप लोग हमेशा ऐसा सोचना चाहिए, नहीं सोच रहे हो तो आज मैं आपको सोचने पे मजबूर करती हूँ कि पानीपत में ही लड़ाई क्यों भाई, कोई ऐसी कोई जगह है कहीं और कर लो, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल, सब कुछ पानीपत में क्यों। तो मैं इसका रीज़न बताती हूँ। यहाँ है दिल्ली और दिल्ली से थोड़ी दूर पे है पानीपत। दिल्ली का जो दिल्ली जो एरिया है वो पठारी एरिया है, प्लेट्यू रीज़न है, और लड़ाई करने के लिए लड़ाई प्लेट्यू पहाड़ पे, पर्वत, नदी नालों में नहीं होती। लड़ाइयाँ जो होती हैं वो एक मैदान में होती हैं, और पानीपत में वो जगह है, वो मैदान है जहाँ पर बैटल फील्ड तैयार है, जहाँ पर लड़ाइयाँ हो सकती हैं, इसलिए जनरली पानीपत में लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। तो 1556 में क्या होता है, जो अफगानी होते हैं, अफगानी जो व्यक्ति है आदिल शाह, उसका जो सेनापति होता है हेमू, तो हेमू क्या करते हैं, दिल्ली और आगरा के रीज़न पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो बैरम खां की सेना, मतलब मुग़ल सेना जो है बैरम खां के नेतृत्व में आती है, और यहाँ पर हेमू है वो यहाँ पे लड़ाई करने आते हैं, और दोनों के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ा जाता है, और यहाँ पर हेमू की सेना जो है वो जीतने वाली ही होती है। बट सडनली एक तीर आता है और हेमू की आंख में लग जाता है, और हेमू जो होते हैं वो हाथी से गिर जाते हैं, और कुछ समय बाद उनकी सेना में भगदड़ मच जाती है, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हेमू जो है, इसके पहले वो बंगाल के रीजन के भी गवर्नर रहे हैं, शेर शाह सूरी का एक मतलब वफादार सेनापति रहे हैं हेमू। हेमू ने 22 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, और सारी की सारी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती हैं, इसलिए आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य का टाइटल दिया। कुछ हिस्टोरियन बताते हैं कि हेमू ने विक्रमादित्य का टाइटल खुद को ही दिया था। तो जो लास्ट विक्रमादित्य होते हैं वो हेमू होते हैं। तो हेमू के बीच में और बैरम खां, मतलब मुग़ल सेना के बीच में ये बैटल ऑफ पानीपत होती है, जो कि सेकंड बैटल होती है 1556 में। हेमू मारे जाते हैं और अकबर की ये पहली विक्ट्री मानी जाती है, अकबर की ये पहली विक्ट्री मानी जाती है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब देखिएगा, बैरम खां के अंडर में मुग़ल जो टेरिटरी, मतलब बैरम खां के नेतृत्व में काबुल, जौनपुर, अजमेर, ग्वालियर, इन सभी रीजन को बैरम खां के नेतृत्व में कैप्चर किया जाता है। मतलब बैरम खां के समय से ही मुग़ल सल्तनत का एक्सपांड होना जो है वो शुरू हो गया, एक्सपांशन जो है वो शुरू हो गया था। अब देखिए होता क्या, धीरे धीरे अकबर बड़े हो रहे हैं, और अभी तक सारी पावर एक तरीके से बैरम खां के अंडर में है। बैरम खां पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेते हैं, तो अकबर अब इंडिपेंडेंट होकर शासन करना चाहते हैं। अकबर चाहते हैं कि अब मैं खुद डिसीजन लूँ। तो ये घटना होती है 1560-61 की। तो अब अकबर सोच रहे हैं कि अब मैं खुद से डिसीजन लूँगा, इसलिए क्या करते हैं अकबर, बैरम खां को बोलते हैं कि अब मैं खुद इंडिपेंडेंट अपना राज चलाना चाहता हूँ, आप एक काम कीजिए, मक्का की यात्रा पर जाइए। तो बैरम खां को अकबर मक्का की यात्रा पर भेज देते हैं, मक्के की यात्रा में बैरम खां को भेज दिया जाता है। बैरम खां मक्के की यात्रा पे निकले हैं, और रास्ते में गुजरात के समीप कुछ लड़ाकू जातियों के द्वारा उनको मार दिया जाता है। इस तरीके से बैरम खां की हत्या हो जाती है। बैरम खां की वाइफ होती है सलीमा बेगम, तो सलीमा बेगम को अकबर आगरा लेकर आते हैं, और अकबर खुद सलीमा बेगम से निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। सलीमा बेगम और बैरम खां के एक बेटे होते हैं रहीम। तो रहीम अब किसका बेटा हो गया है, अकबर का बेटा हो गया है, और इसे ही हम रहीम खाने खाना कहते हैं। तो अब्दुल रहीम खाने खाना, ये वही रहीम यहाँ पर आपको बताए जाते हैं। हालांकि अकबर ने कई सारी शादियाँ की थी, पर इनके जो फर्स्ट बेगम और सबसे पसंदीदा बेगम बताई जाती हैं वो रुकैया बेगम बताई जाती हैं, और रुकैया बेगम इनकी एक चचेरी बहन भी होती है, मतलब कज़न भी होती हैं। रुकैया बेगम के अलावा इनकी एक और पत्नी का चर्चा देखने को मिलता है, वो है हरकाबाई, और हरकाबाई को ही रिलेट किया जाता है जोधाबाई से, जो कि आमेर के राजा भारमल की बेटी होती हैं, और इन्हें ही मरियम उर जमानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी कई तरीके से कई सारी वाइफ्स यहाँ पर अकबर की देखने को मिलेंगी। अगर हम अकबर के सन्स के बारे में बात करें, उनके बेटों के बारे में बात करें, तो जानकारी मिलती है कि सबसे पहले हुसैन और हसन नाम के दो बेटे थे, छोटे छोटे से बेटे थे, और फिर अज्ञात बीमारी के कारण वो मर जाते हैं। फिर मुराद, डैनियाल और सलीम,
सलीम जो कि अकबर का उत्तराधिकारी बनेंगे। इस तरीके से ये कुछ बेटे होते हैं, मुराद, डनियाल और सलीम। उसके अलावा ये रहीम खाने खाना, ये बैरम खान और सलीमा बेगम के बेटे हैं। इस तरीके से इनकी ये पूरी हायरार्की आपको समझने में देखने को मिली। अब यहाँ पे बैरम खान की जो डेथ हो गई, अब यहाँ पर अकबर जो है वो इंडिपेंडेंट होकर शासन करते हैं और इन्विजन करना शुरू करते हैं, अपने एरिया को वो अब बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आइए अकबर के हम अलग अलग रीज़न को ऑक्यूपाई करने की कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये मालवा के रीज़न की। दिख रहा है ये मालवा की रीज़न, ये है मालवा का रीज़न और यहाँ पर बाज बहादुर का रूल है। तो यहाँ पर मालवा रीज़न में बाज बहादुर का रूल है। तो अकबर अपनी सेना को भेजता है, ठीक है, अकबर अपनी सेना को भेजता है और इस सेना को लीड कर रहे होते हैं आदम खां। आदम खां जो है अकबर के फॉस्टर मदर जो होती है महामंगा, उनके बेटे होते हैं। तो आदम खां की लीड में मालवा पर अकबर की सेना जाती है और अकबर के रीज़न को ऑक्यूपाई कर लेती है। अकबर यहाँ पे जो मालवा है, मालवा का जो कैपिटल होता है वो मांडू होता है, जिसे हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस रीज़न को ऑक्यूपाई कर लेता है अकबर और बाज बहादुर जो है वो भाग जाता है और मेवाड़ चला जाता है। और बाज बहादुर की जो प्रेमिका होती है रूपमती, क्योंकि बाज बहादुर रूपमती की कहानियाँ मालवा के रीज़न में बड़ी ही प्रचलित है और इन दोनों की जो टॉम है मतलब समाधियाँ हैं वो आज भी उज्जैन में मौजूद है। तो रूपमती जो होती हैं वो जहर खा लेती हैं, पॉइजन खा लेती हैं। तो इस तरीके से मालवे के रीज़न पे एक्वायर कर लिया जाता है। 1561 की ये घटना होती है, ठीक है। 1561 में बाज बहादुर को गद्दी से हटा के मालवा को एक्वायर किया है अकबर ने। मालवा के बाद देखिए अगला रीज़न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मालवा को एक्वायर कर लिया, मालवा अब जो है वो अकबर का है। मालवा के बाद अगर हम इन राजपूत स्टेट्स के बारे में बात करें और इस गोंडवाना के बारे में बात करें, इन दोनों रीज़न के बारे में बात करती हैं। तो गोंडवाना, ये है गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना की जो रानी थी वो रानी दुर्गावती थी। हालांकि रानी दुर्गावती जो थी वो प्रिंसेस थी चंदेल राजाओं की, चंदेल राजाओं की राजकुमारी थी। फिर उनकी शादी गोंडवाना के राजा संग्राम शाह के साथ होती है और फिर वो गोंडवाना की रानी बन जाती हैं। और संग्राम शाह की मृत्यु हो जाती बहुत कम एज में, तो ये विडो होती हैं रानी दुर्गावती, और इनका एक छोटा सा बेटा होता है वीर नारायण। तो मुगलों की नज़र जो होती है वो गोंडवाना लैंड पे पड़ती है। तो गोंडवाना लैंड में अकबर जो है अपनी सेना को भेज देता है। हालांकि अकबर लड़ने नहीं जाते, अपनी सेना को ही भेजते हैं। और यहाँ पे रानी दुर्गावती और मुगलों की सेना के बीच में लड़ाई होती है और रानी दुर्गावती हार जाती हैं और गोंडवाना लैंड पर भी मुगलों का कब्जा हो जाता है। यहाँ पर अकबर जो अपनी सेना भेजता है रानी दुर्गावती से फाइट करने के लिए गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना में, उस सेना को लीड कर रहे होते हैं आसफ खान। कौन लीड कर रहा है? तो रानी दुर्गावती और आसफ खान की लड़ाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी भी आपको जबलपुर रीजन में देखने को मिलेगी, ओके। तो गोंडवाना लैंड को भी एक्वायर कर लिया है अकबर ने। मालवा, गोंडवाना के बाद अब हम बात करते हैं राजपूतों के बारे में। तो राजपूत जो है उन्होंने मुगलों के साथ जो है वो मैट्रिमोनियल अलायंस बनाई है, मैत्री संधियाँ की हैं। और यही राजपूत स्टेट था एक आमेर, और आमेर के राजा थे राजा भारमल। और राजा भारमल ने अपनी बेटी जिसका नाम जोधाबाई और कुछ बुक्स में हरकाबाई बताया जाता है, उनकी शादी जो है वो अकबर से करा देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो राजा भारमल के बेटे होते हैं राजा भगवत दास, भगवत दास जो होते हैं वो अकबर की आर्मी में होते हैं। उसके अलावा राजा मानसिंह भी जो होते हैं वो उनकी बुआ होती हैं बेसिकली हरकाबाई। इस तरीके से राजपूत स्टेट भी कंट्रोल में आते हैं अकबर के। तो राजपूत हो गया, मालवा हो गया, गोंडवाना हो गया, आगे बात कर लें। इसके बाद बात करते हैं मेवाड़ के बारे में, चित्तौड़ के बारे में। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। तो अकबर जो होते हैं 1568 में चित्तौड़ पर हमला कर देते हैं। और चित्तौड़ जो होती है वो मेवाड़ की कैपिटल, किंगडम ऑफ मेवाड़ की जो है वो कैपिटल होती है। और उस समय रूल जो होता है वो किंग उदय सिंह का होता है। तो उदय सिंह जो है वो यहाँ पे राजा होते हैं। 1568 में चित्तौड़ पर हमला कर देते हैं अकबर, जिससे राजा उदय सिंह को चित्तौड़ अपनी कैपिटल छोड़ के उदयपुर जाना होता है। तो उदयपुर को वो अपनी कैपिटल यहाँ पे बना लेते हैं। इन्हीं राजा उदय सिंह के बेटे होते हैं महाराणा प्रताप, जिनके साथ में यहाँ पर हल्दीघाटी का बैटल आप देखेंगे, ठीक है। तो 1576 में मुगल आर्मी और महाराणा प्रताप के बीच में बैटल ऑफ हल्दीघाटी होता है। हल्दीघाटी की लड़ाई होती है और बुक्स बताती हैं कि हल्दीघाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप हार जाते हैं और मुगल आर्मी यहाँ पर जीत जाती है।
क्लियर। तो इस तरीके से चित्तौड़ के भी मतलब किंगडम ऑफ मेवाड़ के भी काफ़ी कुछ हिस्से में अकबर अपना अधिकार जमा लेता है। इसके अलावा यहाँ पे रणथंबोर मतलब राजस्थान का जो रीजन है वहाँ पे हाड़ा राजपूत का शासन होता है। तो रणथंबोर और कालिंजर, कालिंजर मतलब हम रीवा के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे राजा रामचंद्र का रूल था, और इन्हीं राजा रामचंद्र के दरबार में रामतनु पांडे रहा करते थे जिन्हें हम तानसेन कहते हैं, और यहीं से तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में आए थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। ठीक है, हालांकि तानसेन जी का जन्म ग्वालियर से है। तो रणथंबोर और कालिंजर में भी कब्जा कर लेता है अकबर। इसके बाद आती है गुजरात की बारी। अब गुजरात जो है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है कि गुजरात एक पोर्ट सिटी है। गुजरात एक पोर्ट सिटी, अगर आपको व्यापार करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो पोर्ट्स की ज़रूरत है। और पोर्चुगल्स की पावर बढ़ रही थी, तो अकबर पोर्चुगल्स की पावर भी यहाँ पे कम करना चाहते हैं, इसलिए वो गुजरात को इन्वेज करते हैं, गुजरात पे हमला करते हैं। ये घटना 1572 की बताई जाती है, और ऐसा बोलते हैं कि पहली बार यहाँ पर अकबर ने समुद्र को देखा था गुजरात विजय के दौरान। तो 1572 की घटना होती है, और जब वो गुजरात विजय करके लौटते हैं अकबर, तो उस खुशी में वो बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा आज भी आप देखेंगे वो अकबर की फतह की निशानी है। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर करवाते हैं जब वो गुजरात विजय से लौट कर आते हैं। क्लियर। तो आप एक तरीके से इस मैप को अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे तो देखिएगा अकबर ने क्या किया। अकबर ने दिल्ली तो थी उसकी, यहाँ पे जौनपुर, राजपूत, मालवा, गौडवाना और गुजरात तक, इस पूरे एरिया को अब अकबर ने कैप्चर कर लिया है। इस पूरे एरिया को अकबर ने जो है वो कैप्चर कर लिया है। यहाँ पे इतनी चीज़ें हमने देख ली। अब बात करते हैं हम इस कश्मीर के बारे में। हमको तो कश्मीर भी चाहिए, आज भी मुद्दा है, हमें तो कश्मीर चाहिए, तब भी मुद्दा था, हमें कश्मीर चाहिए। अब अकबर यहाँ पे कश्मीर पे इन्वेड करते हैं। कश्मीर में यूसुफ खां होते हैं, यूसुफ खां को हरा कर जो है वो कश्मीर पे इन्वेड कर लिया जाता है 1586 में। यहाँ पे यूसुफ जई जो जनजातियाँ होती हैं, लड़ाकू जनजातियाँ होती हैं, और उनसे फाइट करते समय, उनके विद्रोह को कम करते समय बीरबल मारे जाते हैं। इस विद्रोह को ख़त्म करते समय बीरबल की हत्या हो जाती है, और बीरबल भी जो है वो नवरत्नों में से एक है, राजा बीरबल। ठीक है, अकबर बीरबल की कहानियाँ आप लोगों ने कई सारी सुनी होंगी, तो बीरबल भी नवरत्नों में से एक होते हैं। 1586 में कश्मीर के विद्रोह को दबाते समय उनकी जान चली जाती है। 1593 में सिंध रीजन को एक्वायर कर लिया जाता है, सिंध रीजन को एक्वायर कर लिया जाता है अकबर के द्वारा। अब बात करते हैं बंगाल उड़ीसा के रीज़न की। तो बंगाल उड़ीसा के रीज़न में 1592 में अकबर अपनी सेना को भेजते हैं, और उस सेना के जो कमांडिंग लीडर होते हैं वो राजा मानसिंह होते हैं। और अब जो उड़ीसा बंगाल का रीज़न होता है वो अफगानों के कंट्रोल में होता है, उन्हें अफगानों को हटा दिया जाता है, और राजा मानसिंह जो है या मुगल सल्तनत का कब्ज़ा जो है वो आपको बंगाल के रीज़न में देखने को मिलेगा। तो पूरा नॉर्थ इंडिया जो आप देखेंगे वो अकबर के कंट्रोल में आ गया है। अब अकबर सोचते हैं अब हम मुझे साउथ इंडिया की तरफ भी जाना चाहिए, सदर्न इंडिया में जाना चाहिए। तो अकबर मुगल सल्तनत के पहले बादशाह हैं जो कि दक्षिण भारत का अभियान शुरू करते हैं, क्योंकि इन्हें दक्षिण भारत का रीज़न को भी एक्वायर करना है। इनका जो अंतिम अभियान होता है वो आसिरगढ़ का किला होता है। अकबर का जो अंतिम अभियान होता है वो आसिरगढ़ का किला होता है। दक्षिण के अभियान के बाद अकबर सम्राट की उपाधि धारण कर लेते हैं कि अब तो मैं सम्राट हूँ, नॉर्थ में भी मेरा दबदबा है और साउथ में भी मेरा दबदबा है। तो अंतिम अभियान आसिरगढ़ का किला होता है। आसिरगढ़ का किला बुरहानपुर में है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में आता है, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब अकबर आसिरगढ़ के किले को जीतते हैं तो सोने की चाबी बनवाते हैं और उसका दरवाज़ा खोलते हैं, ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं। हम बात करते हैं, ये बुलंद दरवाज़ा आपको दिख रहा है, ये गुजरात विजय के बाद बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी एक नगरी बसवाई गई थी अकबर के द्वारा, और अकबर ने अपनी कैपिटल आगरा से फतेहपुर सीकरी ट्रांसफ़र की थी। इस बात को भी आपको जानकारी में होना चाहिए। अकबर एम्पायर अब हम देखते हैं दक्षिण अभियान के बारे में। तो दक्षिण में इसका मेन एजेंडा है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश। खानदेश, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, इन चार रियासतों पे कब्जा करना चाहता है अकबर। तो खानदेश जो होता है, तो खानदेश के जो रूलर होते हैं वो पहले ही एकदम सरेंडर हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम आपकी अंडर में हैं, हम आपकी बातों को मानेंगे। तो खानदेश के साथ ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मशक्कत जो हुई वो अहमदनगर के साथ हुई। अहमदनगर पे कब्ज़ा करने के लिए जो है वो मुराद और खाने खाना रहीम को अकबर भेजते हैं। मुराद और खाने खाना रहीम को अकबर भेजते हैं अहमदनगर को इन्वेज करने के लिए। और अहमदनगर की जो शासिका होती है वो चांद बीबी होती है। कौन होती हैं? चांद बीबी होती हैं।
यहाँ पर मुराद के बारे में बताया जाता है कि मुराद जो है वो नशे के बड़े शौकीन होते हैं, नशा करते हैं और नशे के कारण उनकी डेथ हो जाती है। और मुराद की डेथ के बाद डेनियाल जो है अकबर के एक और बेटे हैं, तो डेनियाल को भेजा जाता है। तो अब डेनियाल और खाने खाना रहीम जो है वो दक्षिण अभियान को संभाल रहे हैं। तो चांद बीबी से ट्रीटी होती है और चांद बीबी जो बरार का रीज़न होती हैं वो मुग़ल सल्तनत के अंदर दे देती हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे दक्षिण की तरफ भी अकबर की पावर बढ़ने लगती है। ठीक है, ये घटना 1595 की बताई जाती है। तो ये बरार का रीज़न भी आपने देखा कि अकबर के अंदर आ गया, खानदेश भी आ गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है अकबर की टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? तो ये पूरा रीज़न आपको अकबर का देखने को मिलेगा। अकबर ऐसा नहीं है कि केवल उसका ध्यान अपने रीज़न को एक्सपांड करने में था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बताया जाता है कि अकबर एक ऐसा राजा था, उसको ग्रेट कहने के रीज़न्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था, मतलब जो हिंदू इनकी वाइफ थी उनको उसने परमिशन दी थी कि आप अपने देवी देवताओं की पूजा कीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। अकबर ने 1562 में जो दास प्रथा चली आ रही थी उस दास प्रथा को ख़त्म किया 1562 में। फिर उसके अलावा 1563 में जो तीर्थ यात्रा करने वाले यात्री थे ना, तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था तीर्थ यात्रा पे कर ख़त्म किया। वहीं 1564 में अकबर ने जजिया कर को भी ख़त्म कर दिया। तो ये तीन डेट्स आपको याद रखनी है कि 1562 में, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन ही, 1564 में जजिया कर को ख़त्म किया था ना कि 62 में। 1562 में दास प्रथा को ख़त्म किया, 1563 में इसने क्या किया, तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था उसको ख़त्म किया, और 1564 में इन्होंने जजिया कर की समाप्ति कर दी। तो इस तरीके से इन्होंने ये किया। 1562 में युद्ध के बंदी बनाए हुए देश जो दास थे उनको भी यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब जाओ। इनके दरबार में कई जैन संत रहते थे, इसने योगा भी सीखा था, इसने जो है अकबर ने जो पोर्चुगल्स थे उनको चर्च बनाने की परमिशन भी दे दी थी। इसके अलावा इसके जो कॉइन्स थे उसमें सीता और राम के चित्रण थे, ऐसी जानकारी भी मिलती है। इन्होंने इलाही संबत की शुरुआत की थी और एक धर्म बनाया था जिसका नाम है, मतलब इलाही संबत की शुरुआत भी इन्होंने की थी और दिन्नेलाही धर्म की शुरुआत भी की थी 1582 में। 1582 में अकबर ने दिन्नेलाही धर्म की शुरुआत की थी और कहा था कि एक ही ईश्वर है, और हर थर्सडे को, बृहस्पतिवार को जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु होते थे उनसे, सभी धर्मों के गुरुओं के साथ ये चर्चा करता था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। हालांकि इसने कभी किसी को फोर्स नहीं किया दिन्नेलाही धर्म को अडॉप्ट करने के लिए, किसी को अगर अडॉप्ट करना है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। बताया जाता है कि 15 फॉलोवर्स थे यहाँ पे दिन्नेलाही धर्म के, जिसमें एक बीरबल भी था। तो बीरबल ने जो दिन्नेलाही धर्म है उसको स्वीकार किया था, सभी धर्मों को ये सम्मान करता था। फतेहपुर सीकरी जो नगरी थी उसने वहाँ पर एक इबादत खाने का निर्माण भी करवाया था, ऐसी जानकारी पता चलती है। ये आप देख सकते हैं, ये फतेहपुर सीकरी नगरी है जिसका निर्माण राजा अकबर ने करवाया था, जहाँ पे जोधा महल, शीश महल, पंच महल जैसी कई शानदार रचनाएं आज भी आपको देखने को मिलती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल नगरी है ये फतेहपुर सीकरी, जिसको आप यहाँ पर एक इमेज के ज़रिए देख पा रहे होंगे। आर्ट एंड कल्चर, अगर हम अकबर के बारे में बात करें तो अकबर का पूरा ध्यान यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर में था। इसने सभी जो पेंटर्स थे, राइटर्स थे, हिस्टोरियन थे, सभी का सम्मान किया और सभी को अपने दरबार में इन्होंने जगह दी। अकबर ने कई सारे बड़े बड़े किलों का निर्माण कराया, ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण इसने करवाया, बुलंद दरवाजे का निर्माण इसने करवाया, जोधाबाई महल, पंच महल, इन सब का निर्माण जो है वो अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ। ऐसा बताया जाता है कि अकबर ने अपने टॉम का निर्माण खुद बनवाना शुरू किया था सिकंदरा में, जो कि आगरा के निकट है। बाद में इनकी मृत्यु के बाद इनके जो बेटे थे जहांगीर, उन्होंने इनकी जो समाधि थी या टॉम था उसका काम पूरा करवाया। ठीक है, अकबर के द्वारा एक टेम्पल बनवाया गया था वृंदावन में, जिसका नाम है गोविंद देव टेम्पल भी बनवाया। दीवाने आम, दीवाने खास की शुरुआत भी जो है वो अकबर के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, अकबर के दरबार में दसवंत मिस्किना, इस तरीके से जो है वो शानदार यहाँ पे आर्टिस्ट रहा करते थे। इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में महाभारत और रामायण को ट्रांसलेट करवाने का काम किया। हमजा नामा जो है वो 1200 पेंटिंग का एक कलेक्शन है, वो भी अकबर के द्वारा ही बनवाई गई हैं। अकबर के दरबार में तानसेन रहा करते थे,
तानसेन जो हैं वो बहुत अच्छी अच्छी राग गाया करते थे, जिन्हें हम कहते हैं कि बारिश होने लगती थी, आग लग जाती थी, दीपक राग, मल्हार राग, इस तरीके से अकबर के दरबार में तानसेन रहा करते थे। आईने अकबरी, अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखी हुई है वो भी अकबर के दरबार में लिखी गई है। अकबर के दरबार में ही अबुल फैज़ी ने महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम भी किया है। उत्बी, नज़ीरी, ये जो कुछ पर्शियन पोइट अकबर के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। फिर है रजनामा, रजनामा जो है बेसिकली पर्शियन ट्रांसलेट है महाभारत का, ठीक है। तो पर्शियन लिटरेचर का जो आप कह सकते हैं पुनर्जागरण का समय है वो अकबर के पीरियड को कहा जाता है। अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, उनमें कुछ खास बातें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अबुल फजल, इन्होंने ही आईने अकबरी लिखी है, ठीक है। इसके बाद सलीम की, जो प्रिंस सलीम थे उनके समय में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल को मार दिया गया था। फिर अबुल फजल के बाद आते हैं फैज़ी, पर्शियन पोइट थे, ब्रदर थे अबुल फजल के, और इन्होंने ही जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में महाभारत को ट्रांसलेट किया है। लीलावती जो कि एक वर्क है मैथमेटिक्स का, उसको भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। तानसेन, इनका ओरिजिनल नाम जो है वो रामतनु पांडित था, अकबर ने इन्हें टाइटल दिया था मियान का, मियाँ का टाइटल जो है वो अकबर ने दिया था, ठीक है। बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। फिर है राजा बीरबल, इनका ओरिजिनल नाम महेश दास था, ठीक है। इन्हें राजा और बीरबल का टाइटल अकबर ने दिया था। इसके अलावा आप देखेंगे राजा टोडरमल, राजा टोडरमल जो है वो जो शेरशाह सूरी था ना उसके दरबार में थे, और उनके दरबार में फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब राजस्व व्यवस्था को संभाला करते थे, और अकबर के दरबार में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट या राजस्व व्यवस्था को संभालने का काम राजा टोडरमल करते थे। जो आप दहशाला सिस्टम, दशमलव प्रणाली के बारे में बात करते हैं वो राजा टोडरमल ने शुरू की थी, ठीक है। राजा टोडरमल को दीवान ए अशरफ का टाइटल अकबर ने दिया था, ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट को संभाला करते थे। राजा मान सिंह अकबर के एक ट्रस्टवर्दी जनरल थे। फिर फाकिर अजीनुद्दीन, ये भी चीफ एडवाइज़र थे अकबर के और एक सूफी म्यूजिशियन थे। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान के बेटे थे, ठीक है। इन्होंने बाबर नामा को ट्रांसलेट किया है पर्शियन लैंग्वेज में। फिर है मिर्ज़ा अजीज़ कोका, खान आज़म का टाइटल था और सूबेदार थे गुजरात के। तो ये कुछ यहाँ पर आप देखेंगे नवरत्न थे अकबर के दरबार में। मतलब इस बात से हमें ये प्रमाण मिलता है कि अकबर जो थे वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, आर्ट कल्चर का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सम्मान किया है, ठीक है। इसके अलावा अकबर के बारे में बात करते हैं कि अकबर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा था 1600 में, उस समय भारत में मुगल सल्तनत अकबर का ही रूल था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तब तक अकबर की डेथ हो जाती है। अकबर की डेथ के बाद इनके बेटे जो हैं जहांगीर वो गद्दी पर बैठते हैं। इसलिए हम बात करते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई उस समय जहांगीर का रूल था। बताया जाता है कि डायसेंट्री एक बीमारी इनको हो गई थी, और 63 की उम्र में 1605 में अकबर का निधन हो जाता है। अकबर का जो लास्ट अभियान होता है वो आसिरगढ़ का किला होता है, ठीक है, और इनको दफनाया जाता है आगरा के पास, ठीक है। तो ये कुछ कहानी थी अकबर के बारे में, इनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक। 1542 में जन्म हुआ, 1605 में मृत्यु हुई। तो आप देख सकते हैं बाबर और हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पर बैठे, और सबसे लंबा शासन अभी तक मुगल सल्तनत में किसका देखने को मिला आपको? अकबर का देखने को मिला, क्योंकि बाबर भी रूल नहीं कर पाए और हुमायूं भी रूल नहीं कर पाए। आई थिंक आपको अकबर के समय की जो इनकी बायोग्राफी है, मोटी मोटी बातें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। दिस इज़ क्वेश्चन ऑफ द डे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अकबर द मुगल रूलर सॉ सी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कब पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा था? 1542, 1556, 1572 या 1582? आपका जो भी आंसर है वो आप हमें कमेंट पे बताइएगा, और अगर सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और चित्तौड़ की कहानी, हल्दीघाटी के बैटल के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने महाराणा प्रताप पे सेपरेट बायोग्राफी कवर की है, आप उसे जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।